नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका प्रोजेक्ट कोच दीपक गोवर्धने। आज मैं आपके लिए एक प्रोजेक्ट का डेमो लेके आया हूं। यह है ऑटोमेटिक डिशवॉशर मशीन। ये जो मेटल कंटेनर है, ये लीक प्रूफ कंटेनर है। कंटेनर में डिश रखने के लिए स्टैंड फैब्रिकेट किया गया है, आप देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं इसका वर्किंग। सबसे पहले इस कंटेनर में पानी डालना है और वो पानी एक साइड में कपलर दिया गया है, उसके ऊपर तक डालना है। मैं आपको कपलर दिखाता हूँ, ये कपलर है। यहाँ पे कंटेनर में जो भी पानी है वो इस कपलर के सहारे बाहर आकर बूस्टर पंप को सप्लाई होगा। यहाँ पे बूस्टर पंप दिया गया है। इस बूस्टर पंप का जो आउटपुट है वो रोटरी यूनिट को सप्लाई किया जा रहा है। पंप से ये जो पाइप आया है वो कपलर के सहारे रोटरी यूनिट को प्रेस फिट किया गया है। मशीन का यूज़ होने के बाद अगर आपको कंटेनर खाली करना है तो इस तरीके से पाइप निकाल के आप कंटेनर पलटी करके खाली किया जा सकता है। यह है रोटरी यूनिट। रोटरी यूनिट एक डिज़ाइन पार्ट है जिसका एक साइड हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है और दूसरी साइड जो है आराम से रोटेट हो सकती है। अगर ये जो फ्लेक्सिबल पाइप है ये डायरेक्ट रोटरी यूनिट के बिना अगर जोड़ देते तो मोटर स्टार्ट होने के बाद ये मुड़ जाता और आपका जो मशीन है वो वर्क नहीं करता। इसीलिए रोटरी यूनिट स्पेशली लगाई गई है और यही इस प्रोजेक्ट का सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट है। रोटरी यूनिट के नीचे ये स्प्रॉकेट दिया गया है। स्प्रॉकेट को साइड में जो मोटर है वो चेन ड्राइव से ड्राइव कर रही है। डीसी मोटर दी गई है, देखते हैं उसका वर्किंग। अब मशीन के अंदर ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पीवीसी पाइप लगे हुए हैं, इनमें एक एक एमएम के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल छेद किए गए हैं, जिससे प्रेशराइज वाटर जो है वो आपके प्लेट्स पे पड़ता है और आपके प्लेट साफ होने में मदद होती है। आइए अब देखते हैं इसका वर्किंग। ये देखिए, आप जो भी बॉडी पे कंटेनर के बॉडी पे आपको जो पानी दिख रहा है, स्प्रे फोर्सफुली हो रहा है इसलिए शायद उड़ते हुए पानी नहीं दिखेगा, लेकिन ये जो कंटेनर के वॉल पे आपको पानी दिख रहा है, अगर वहाँ पे डिश आपकी रहेगी तो डिश पे वो पानी होके नीचे जाएगा।